नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक लेके आ चुका हूँ, ठीक है, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आ चुका हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको चैलेंज दिया जा रहा है। कैसा चैलेंज है कि रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, ठीक है। सभी टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जिससे 2 से 3 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से बन रहे वो सारे मैं आप कवर करने वाला हूँ। तो 10 में से आपके 8 सही करके बताएगा, ठीक है। चैलेंज है, छोटा सा चैलेंज है, देखते हैं कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में तो कमेंट जरूर करना, 10 में से आप कितने क्वेश्चन राइट और कितने सही हुए। तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के शेयर करना। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या बोला जा रहा है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। कैलेंडर का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, ठीक है। भाविन का जो जन्मदिन है भाई सोमवार 29 मई को है। तो यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ, ठीक है, एक ही साल में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 29 मई को, ठीक है। मई महीने में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि दिन कितने होते हैं। तो मई महीने में मई जून जुलाई मतलब 31 दिन होते हैं, और आपका जो 29 तारीख को तो जन्म है, जो बच जाते हैं उनको लेना, यानी 2 दिन बच गए। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, ठीक है, मई मई फिर क्या आता है जून, ठीक है, मई के बाद जून, फिर कौन सा आता है जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है जल्दी से बताइए, जुलाई मई जून जुलाई अगस्त, फिर क्या आता है सितंबर, ठीक है। देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर, ठीक है। तो देख लीजिए क्या यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको मई में कौन से दिन लेने हैं, ठीक है। मई में क्या करना है आपको, वो ही दिन लेने हैं जो यहाँ पर बच जाते हैं, यानी 2 मई, 2 दिन बचे, क्योंकि 29 फिर आता है जून, जून में कितने दिन होते हैं 30, जुलाई में कितने होते हैं 31, अगस्त में होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते कितने दिन 30, लेकिन 30 नहीं लेना, जो दिया गया 17 नवंबर, तो नवंबर यानी 17 लेना है, ठीक है। अब इसको आपको काटा पीटी करना और आंसर दे देना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सम में किसका भाग देना जल्दी से बताइएगा, 7 का भाग देना। देखिए इसके 2 उपाय रहते हैं, या तो आप सबको जोड़ें फिर 7 का भाग दें, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पर 7 का भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका सही ही आएगा, क्योंकि आपको रिमाइंडर चाहिए। जैसे जब यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है, जब इसमें देंगे तो कितना आएगा 3, जब इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, जब इसमें देंगे तो आएगा 2, फिर जब इसमें देंगे तो आएगा 3, फिर 7 × 2 = 14 बचा कितना 3। तो इन सबको जोड़ना और 7 का भाग देना है, ठीक है। नहीं तो आप इसी को डायरेक्ट कर सकते, कैसे 2 और 2 = 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 3 × 9 = 2 क्या हो रहा है 11, 11 में जैसे आप 7 का भाग देते हो, रिमाइंडर आपका आ रहा कितना 7 × 4 यानी 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो आपको जो सोमवार दिन था क्या था जल्दी से बताइए, सोमवार, ठीक है, सोमवार में 4 ऐड करना है, तो आपको पता है 5, 5 में क्या रहता है आपको ये पता, शुक्रवार हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। जब आपको मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु ये सारे, ये मैंने डायरेक्ट बताया, क्योंकि आपको सोमवार को 1 मानते हो, 4 जैसे अपन इसमें ऐड करते तो वो आता है 5, 5वां दिन क्या कहलाता है, शुक्रवार कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए 25, 36, 49, 22, 16, 22, ठीक है, 64, 1 ई एक्स का मन क्या करना पता करना है, 9, 16, 9, 1, 81, 4, 15। तो जल्दी से बताइएगा एक्स का मन क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, तो जल्दी से एक्स की वैल्यू पता करिएगा। देखिए गौर से देखिए ये क्या होता है, आपको पता होगा कि ये 5 का वर्ग होता है, क्यों 5 का वर्ग अपन है, क्योंकि ये भी सारी जो संख्या आपको दिख रही थी वो वर्ग दिख रही थी, ये क्या है 6 का वर्ग, ये किसका होता है जल्दी से बताइए 7 का, ये किसका होता है आपका 4 का वर्ग, होता कि नहीं होता। यदि इसकी बात करें तो ये आपका 1 का वर्ग है, इसको अपन को पता करना है, ये आपका क्या होता है 3 का वर्ग, और ये कितना होता है 8 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से ये क्या होता है 9 का वर्ग कितना मतलब 3 का वर्ग होता है, ये आपको पता है 1 का वर्ग होता है, ये किसका होता है 9 का वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 15 है, यार क्या दिक्कत है, 15 यहाँ पर 22 है और यहाँ पर आपको 16 दे रखी है, ठीक है।
लेकिन अपन को मान निकालना है एक्स का, तो जल्दी से बताइए कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, चलिए हटाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 5, और ये कितना है 6, और ये कितना है 7, और ये कितना है 4, तो इन सबको जोड़िए, 7 4 11 17, और 5 कितना होता है 22, जो कि अपन को ये 22 वाली संख्या मिल चुकी है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको अपन को चेक करना है, ये देखिए क्या होता है 9। ठीक है, 9 के बाद क्या है 4, 4 के बाद वहाँ पर कितना है 3, 3 के बाद 1, तो कितना हो जाए 17 हैं, ये क्या, ये 2 था, ये 2, ठीक है, 4 का वर्ग 2 का वर्ग था, मतलब जोड़ दी 11 14, और ये कितना हो जाएगा 15। तो इसी प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं, कैसे देखिए, ये क्या होता है सबसे ऊपर आपका 8, 8 के बाद कितना है 1, फिर ये एक्स की वैल्यू अपन को पता करनी है। ठीक है, और ये कितना है 3 का वर्ग, और आपको चाहिए कितना है 16, तो सबसे पहले इनको 9 3 कितना होता है 12, और ये प्लस एक्स है, और ये आपका 16 है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको पता आ जाएगी, 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितनी 4, तो क्या 4 आंसर हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या गलत आंसर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इस 4 का आपको पता है कि वर्ग रहता है यहाँ पर, यानी यहाँ 16 होगा, तभी तो ये 4 का वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर 16 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर बताएगा, त्रिभुजों की संख्या क्या करनी है बतानी, तो जल्दी से त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक, जब 9 है तो 9 यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों कैसे एक से हैं, तो यहाँ पर 9 प्लस 9 आपको पता होगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसको 6 और यदि अपन जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर 24। कुछ बच्चे क्या करेंगे 24 आंसर देंगे, लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो फिर इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, ये बड़े वाले देखते हैं सबसे पहले, आपकी नज़रों में बच्चे क्या करेंगे, ये तो मुश्किल से मुश्किल है कि छोड़ दें, 1 ए और 1 ए बड़ा वाला, तो 2 मिल गए कि नहीं मिले, जल्दी से बताए, 2 और ऐड करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 26 आंसर दे देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और वो हो जाएगा आपका गलत, 26 नहीं उससे ज़्यादा है। 26 तक तो आपको आसानी समझ में आ गया, ठीक है, अब वो अपन मिटा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप इसको, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 26 के बाद यदि बात करें, देखिए ए काउंट किया, ए काउंट किया, लेकिन ए बड़ा वाला काउंट नहीं किया, किया क्या नहीं बताइए, नहीं किया, और 1 ए वाला बन जाएगा, तो यहाँ से कितने बने 2 बने, तो 2 यहाँ से भी बन पाएंगे, देखिए ए वाले, ठीक है, 2 यहाँ बन जाएंगे, 1 ए वाला और 1 यहाँ से ए बड़े वाले, मतलब 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 जैसे अपन ऐड करते हैं तो आ जाएगा 30, 30 ऑप्शन में। कुछ बच्चे क्या करेंगे 30 ही तक पहुंच पाएंगे और वो आंसर दे देंगे, लेकिन 30 भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, 26 आपका गलत हो चुका था, 30 भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन और हैं, देख लीजिएगा, 1 आपका ए वाला बन जाएगा, बना कि नहीं बना, और 1 ए वाला, ठीक है, तो 2 बन गए, तो 2 यहाँ पर भी बनेंगे, 1 ए वाला और 1 ए वाला, मतलब 2 और 2 4 और इसमें आएंगे, मतलब इसके जो राइट आंसर है 34 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताइए, कथन क्या है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ठीक है, सभी बच्चे कैसे, जल्दी से बताइए, विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी कैसे हैं बताइए, खिलाड़ी हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना है। निष्कर्ष देखिए, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी ये रहे विद्यार्थी, तो आपको पता होगा सभी क्रिकेट खिलाड़ी कैसे विद्यार्थी, तो यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ का रिलेशन सही होता है और सभी का रिलेशन क्या होता है गलत होता है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा गलत। सभी बच्चे कैसे हैं खिलाड़ी हैं, बच्चे ये रहे खिलाड़ी, तो आपको पता होगा यदि अपन क्या होता है भीतर से अंदर, ठीक है, भीतर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है सही होता है, और कुछ का रिलेशन भी क्या होता है सही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, यानी 2 केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है, गणितीय संक्रिया आए हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, भाग को क्या बोला जा रहा है प्लस के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है,
ठीक। और ऋण को गुणा के रूप में, ऋण को किसके रूप में, गुणा के रूप में, और प्लस को भाग के रूप में, प्लस को में किसके रूप में जल्दी से बताइए, भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और गुणा को ठीक है माइनस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्नलिखित से प्रश्न का उत्तर देना, उत्तर दीजिएगा। ये आपकी संख्या, आप देखिए सबसे पहले क्या है 24, तो यहाँ पर देख लीजिए किस चीज़ का चिन्ह बताइए, भाग का, तो भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे प्लस और लिख देंगे 14। फिर यहाँ पर देखिए क्या है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे और कर देंगे 5। फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 10। उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 14। चलिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 24 प्लस 14 इंटू क्या होगा 5 बटे में क्या आ जाएगा 10 माइनस 14, ठीक है। तो 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे दो बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 प्लस 7 माइनस 14, 7 ही बार काटा, हाँ। तो चलिए जल्दी से आप देखिए 24 में से इसको यदि डायरेक्ट घटा दे तो बचेगा कितना 10, और प्लस ए 7 का है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के शेयर जरूर करना है, ठीक है। क्या है 4, फिर कितना है 32, 108, 256 क्वेश्चन मार्क और 864, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। 4 यदि आप इसको देखेंगे तो कैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से बताइएगा। 4 यदि आप देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, 16 का वर्ग होता है 256, ये देखेंगे तो ये 2 का वर्ग होता है, लेकिन ना तो 32 होता है, ना 108 होता है, ना 864 होता है, तो क्या इसका रिलेशन होने वाला है जल्दी से बताइए। यहाँ से तो आप लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। सबसे पहला लॉजिक यदि आप सोचते तो इस प्रकार का सोच सकते थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिएगा, यदि अपन देख लें, ठीक है। अब देखिए 4 है, तो 4 को कैसे बना सकते हैं, 2 का वर्ग इंटू 1, यानी 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका जल्दी से बताइए 4। अब 32 का यदि अपन सोचें तो 32 को कैसे सोचें, देखिए यदि 4 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो 16 होता है इंटू 2 कर दें, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 इंटू 2 कितना हो रहा 32। इसी प्रकार से यदि 108 को अपन को बनाना है तो 4 6 का वर्ग करें इंटू क्या कर दें बताइए, 6 का वर्ग आपको पता है 36 पीछे चाहिए 18, तो यानी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 3 18 के 1 9 1 10 108 सही है। तो देखिए आप 256 को देख लीजिएगा, 256 में क्या 8 का यदि अपन वर्ग करें इंटू 4 करें, क्योंकि देखिए 2 4 6 8, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 8 का वर्ग कितना होता है 64 इंटू 4, तो 4 4 कितना होता है 16, कैरी 1 24 और 1 कितना होता है 25। 256 तो सीरीज आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर अपन को चाहिए तो वो हो जाएगा क्या 10 का वर्ग इंटू क्या होगा 5, 10 का वर्ग कितना होता है 100 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो आपका राइट आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पर 500, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है, ठीक है। सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, एक अपन पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से मुझ पर बनेगा, फिर क्या हुआ उन्होंने यहाँ से काटा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कट लगाया और यहाँ पर भी कट लगाया, फिर उन्होंने क्या किया यहाँ बीच में से काट दिया, ये वाला बीच में से क्या कर दिया काटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इतना जब पेज बचा, ये वाला जो पेज बचा उनके पास इतना पेज बचा, तो उन्होंने देखिए यहाँ से फिर से कट लगा दिया, यहाँ से क्या किया फिर कट लगा दिया, इतना पेज बचा, ठीक है, इतना, और यहाँ पर फिर उन्होंने एक कट यहाँ लगाया और एक कट यहाँ पर, तो एक खुलेगा भी यहाँ ही पर, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर जब ए भी खुलेगा तो ए यहाँ आ जाएगा यहाँ, और ए वाला दूर, ए वाला दूर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर ए भी खुलेगा तो ए यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता बताइए, जब इसको पलटेंगे नहीं आएगा, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन से इसका राइट आंसर होगा बताइए, वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या करना है, इसको क्रम से जमाना है। कैसे जमाना है, क्रम से जमाएं, ठीक है, कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, तो वो आपको जमाना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पर पुलिस है, फिर क्या है दंड है, फिर है अपराध, फिर न्यायमूर्ति और फैसला। तो आपको पता होगा कि सबसे बाद में क्या दिया जाएगा, जल्दी से बताइए। यदि डायरेक्ट स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको पता होना चाहिए, या तो पहले पहले क्या होगा, सबसे पहले तो होगा अपराध। जब तक अपराध ही नहीं करेगा तो ना तो पुलिस आएगी, ना न्यायाधीश, ना फैसला सुना जाए। तो सबसे पहले तीन नंबर आने वाला है, तो ये गलत, ये गलत। अब देखिए यहाँ पर आखिरी में क्या है, पाँच, और यहाँ पर क्या है दो। तो पाँच में क्या है फैसला, और दो में क्या है दंड। फैसला के बाद तो दंड दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई, यदि आपको बेसिक से समझा दूँ तो क्या, देखिए जब अपराध करेगा कोई, अपराधी आएगा, ठीक है, ये अपराध है, धाय, जैसे अपराध आएगा तो फिर क्या होगी, जल्दी से बताइए, पुलिस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए अपराध फिर क्या है, तीन नंबर, एक नंबर अब पुलिस है। जैसे पुलिस आएगी तो पुलिस क्या करेगी, उसे न्यायाधीश के पास यानी न्यायालय भेज देगी, भेजेगी कि नहीं। जैसे न्यायालय भेजा जाएगा तो फिर क्या सुनाया जाएगा बताइए, फैसला सुनाया जाएगा। जब फैसला सुनाया जाएगा तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, या फिर छूट जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर दंड लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सेकंडों में आंसर आ सकता था, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखिए इसका जो इस प्रकार से रिलेशन रहता है, इसी प्रकार से इसका रिलेशन रहता है। यदि इसको गौर से देखिए, ए वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से यहाँ पर बना दी, तो ए वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाली है, तो ए गलत और ए गलत। आपके पास ऑप्शन दो बचे, तो आपको पता होगा ए वाली लाइन है उसको इस प्रकार बना दे, ए वाली लाइन है तो इस प्रकार से बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसका भी क्या कर देते, दर्पण प्रति में बना के अपन क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 100% आंसर क्या रहता है, जल्दी से बताइएगा, सही रहता है, बिल्कुल सही रहता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ए और बी बच्चे हैं, किसके, सी के। तो सी के बच्चे कौन हैं, ए और बी हैं, ठीक है। सी माता है बी की, अब सी जो है वह माता है, तो ए क्या है बताइए, माता है किसकी, बी की। तो ए की भी माता कहलानी, किंतु ए पुत्र, किंतु ए पुत्री नहीं है, मतलब ए पुत्री नहीं है, तो ए क्या होगा, पुत्र होगा, सीधी बात उनकी ए है। उन्होंने यहाँ पर निगेटिव बताया कि ये पुत्री नहीं, जब पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा सी की, ठीक है। तो क्या बोला, ए और सी में क्या संबंध है, माता और पुत्र, माता पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, अपन सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद, बोल दे सिंधु, जय हिंद।